हेलो इन्वेस्टर, रिलायंस ने आज अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया। ऑलमोस्ट 2300 के लेवल पे पहुंच चुका है एंड इंट्राडे में ऑलमोस्ट 4% का जंप दिखाई दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है रिलायंस के लिए। एंड इसका मेजर रीज़न बताया जा रहा है कि रिलायंस ने ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ के शेयर लिए स्टैंड लाइफ साइंस में, जिसका वैल्यूएशन अराउंड 393 करोड़ है। ऑल्सो रिलायंस ने ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं ग्रीन एनर्जी में, जो उन्होंने लास्ट AGM में भी कहा था कि रिलायंस विल बी इन्वेस्टिंग इन दी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, जिसमें अडानी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इंडिया में एंड अंबानी भी उसी जोश में काफ़ी जड़े पैसे के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ग्रीन एनर्जी पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब हो चुका है। एंड मुकेश अंबानी की जी को यही मौका लगता है कि यही इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा ग्रोथ ही इज़ एक्सपेक्टिंग। तो उनका आज इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में एक अनाउंसमेंट किया उन्होंने एंड इसकी वजह से स्टॉक ऑलमोस्ट 4% भाग गया रिलायंस का। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है एंड रिलायंस पे भी भाग रहा है। तो पता नहीं मार्केट कहाँ रुकेगा अब।